बच्चों सबक नंबर 19 में आप सभी झे और छे के इस्तेमाल को सीखोगे कि इन दोनों हरफों को किस तरह से लिखा और बोला जाता है। तो सबसे पहले झे से झंडा कैसे बनाओगे, देखो इस तरह से आड़ा करके जिम बनाओगे, इस लाइन को ऐसी आड़ी लाओगे, फिर ऐसे कर दोगे, फिर इस वाली नोक से इस तरह से इस वाली लाइन से ऐसे बाहर आ जाओगे। समझ में आ गया? जैसे झंडा कैसे बनाओगे, ऐसे आड़ी लाइन बनाई, आड़ी लाइन बना के ऐसे पान की तरह बनाया, इस नोक से इस तरह से गए, फिर इस नोक से ऐसे बाहर आ गए। जिम यहाँ पर जैसे झंडा का नुक्ता लगा दो। अब ऐसे ही छः से छतरी, पहले ऐसे सेवन की तरह बनाओ, ऐसे पान बनाओ, इस नोक से ऐसे जाते हुए फिर बीच वाली नोक से वापस आ जाओ, तीन नुक्ते लगा दो। जैसे झंडा याद रहेगा, जैसे हिंदी में छः होता है इसी तरह से छः, जैसे हिंदी में छा से छतरी होता है इस तरह से। तो सभी बच्चे मेरे साथ पढ़ेंगे, झे से झंडा, झे से झूला, झे से झंडा, झे से झूला, छः से छतरी, छः से छड़ी, छः से छतरी, छः से छड़ी। अब स्पेलिंग से मेरे साथ साथ पढ़ना है, झे अलिफ झा गाव झाक, झे रे झर नून अलिफ ना झरना, झे ये खड़ा झेर लाम झील, बे पेज बू झे बुझ नून अलिफ ना बुझना, सीन मीम झे समझ नून अलिफ ना समझना, सीन मीम झे समझ, बे वाव झे बोझ, छे अलिफ छा पे छाप, छे अलिफ छा लाम छाल, छे ते छत अलिफ पेश ऊ, छे अलिफ छा लाम उछाल, मीम छे मच, छे रे छर मच्छर, कफ छे पेश कुछ, मीम गफ रे मगर, मीम छे मच मगर मच, रे ये खड़ा जेर छे रीच, मीम नून पेश मुन नून छोटी ये नी मुन्नी, कफ अलिफ का मुन्नी का, झे वाव झो लाम अलिफ ला झूला, अलिफ छे अच्छे अलिफ छा अच्छा, हे बड़ा ये है मुन्नी का झूला अच्छा है, दाल अलिफ दा दाल अलिफ दा दादा, काफ छोटी ये की, छे रे छोटी ये छड़ी, छे वाव छो ते छोटी ये टी छोटी, हे बड़ा ये है दादा की छड़ी छोटी है, ये है यह है, झे ये खड़ा जेर लाम झील, बे है ते बहुत, बे रे छोटी ये बड़ी, हे बड़ा ये है ये झील बहुत बड़ी है, छे कप पे छुक छे कप पे छुक छुक छुक, कप रे कर ते छोटी ये ती करती, अलिफ मत आ ते छोटी ये ती आती, रे ये लाम रेल छुक छुक करती आती रेल, शीन नून शन शीन नि नून शन, कप रे कर ते ये ती करती, जिम अलिफ जा ते छोटी ये ती जाती, शन शन करती जाती रेल। अब देखो मशक के अंदर झे और छे को बनाना सीखना है, तो दोबारा एक बार और बताती हूँ। इस तरह से आड़ा करोगे, नोक पर से आओगे, इसी नोक से ऊपर जाके बीच वाली लाइन से बाहर आ जाओगे, एक नुक्ता लगेगा झे में, ऐसे ही छे इस नोक से ऐसे ऊपर पान बनाओगे, पान बनाने के बाद बीच वाली लाइन से ऐसे बाहर आ जाओगे और तीन नुक्ते लगा दोगे तो हो जाएगा छे। सवाल नंबर दो के अंदर क्या करना है, इन लफ्जों को लिखवाना है, तो लिखना बता देती हूँ। झरना की स्पेलिंग कैसे लिखोगे, पहले बनाओगे इस तरह से आड़ी लाइन, झे बना दोगे, झे बनाने के बाद बीच वाली लाइन से बाहर आओगे और इसमें रे बना दोगे, एक नुक्ता लगेगा, नून अलिफ ना झरना। नेक्स्ट है समझना, तो पहले सीन के दो शोशे, अब इसके अंदर से मीम को बनाओ, फिर इस तरह से ऐसी नोक बनाकर ऐसे झे बना दो, इसके अंदर बीच वाली लाइन से ऐसे आओगे और फिर नून अलिफ ना, यहाँ पर नुक्ता लगा दो झे का। समझ कैसे लिखोगे, सीन के दो शोशे, इस तरह से मीम बनाओगे, ठीक, सीन के दो शोशे इस तरह से मीम बना के फिर ऐसे मुंह खोलोगे, फिर आड़ी लाइन लाकर ऐसे यहाँ पर झे बना दोगे, नुक्ता लगा दोगे। छत कैसे लिखोगे, ऐसे करोगे आड़ा, फिर ऐसे बीच वाली लाइन से वापस आकर ऐसे इसके अंदर ते बना दोगे, छः के तीन नुक्ते। उछाल कैसे लिखोगे, अलिफ पेश ऊ पहले बनाओगे, छः बीच वाली लाइन से वापस आते हुए ऊपर अलिफ बना दोगे, छः के तीन नुक्ते, लाम को ऊपर से नीचे की साइड बनाओगे। रीच कैसे लिखोगे, रे ऊपर से नीचे की साइड, फिर ऐसे ये बन गए ये, फिर इसका ऐसे मुँह खोल दो
और फिर लास्ट के अंदर इसमें से छः बना दो, बीच वाली लाइन से वापस आ जाओ, तीन नुक्ते छः के, दो नुक्ते ये के, और यहाँ पर आ गया खड़ा जेर। सवाल नंबर तीन के अंदर हर्फों को अलग करके लिखना है, तो झील की स्पेलिंग होगी झे छोटी के लाम झील, छाल की स्पेलिंग छे अलिक छा लाम छाल, बोझ बे वाउ छे बोझ, समझ सीन मीम छे समझ, मच्छर मीम छे मत छे रेछर मच्छर। सवाल नंबर चार, नीचे दिए हुए लफ्जों के पहले हरूफ पर सही का निशान बनवाएं और उसे सामने लिखवाएं। तो छतरी का पहला हरूफ है छे, छे के ऊपर सही का निशान बनाओ और छे को लिख दो। झाड़ी का पहला हरूफ है झे, झे के ऊपर सही का निशान बनाओ और झे को लिख दो। झंडा की स्पेलिंग में पहला हरूफ है झे, झे पर सही का निशान लगाओ झे लिख दो। छत की स्पेलिंग का पहला हरूफ है छे, छे पर सही का निशान लगाओ और बना दो छे।